हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती से जुड़ी जानकारी मिल सके। देखिए, एक पीडीएफ, एक नोटिफिकेशन लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से प्रकाशित हो रहा है, जिसमें शिक्षक के सीधे पदों पर जो भर्ती है वो सभी संभाग में होना है, उसी के लिए रिक्त पद की जानकारी के संबंध में ये जो पीडीएफ है वायरल हो रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी है। साथियों, ये अगर ये वास्तव में सही है, वास्तव में ये चीज़ें हो जाए तो क्या बात होगी, सभी जिलों में भर्ती, सभी संभाग में भर्ती आ जाए। देखिए, शिक्षक भर्ती पदों पर नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की जानकारी प्रदान करने बाबत ये जो है आप देख पाएंगे, आपके संभाग अंतर्गत जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं राज्य स्तरीय शिक्षक के विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाना है। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। संलग्न प्रपत्र में वांछित, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, शिक्षक संभाग जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सीधी भर्ती किया जाना है। ठीक है, इसके लिए 5 मई तक जो है जानकारी मांगा गया है। साथियों, अब हम बात करें, देखिए यहाँ पर बस्तर और सरगुजा की जानकारी 3 मई को भेज दिया गया है। ठीक है, और शेष जो जानकारी है यहाँ 8 मई तक भेजने की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पर सहायक शिक्षक की बात करें तो सरगुजा से जानकारी तो मांगी ही गई है, जितने भी जिले हैं यहाँ, उसके अलावा आपका बिलासपुर जिले से भी यहाँ और बिलासपुर संभाग से भी यहाँ जानकारी मांगी गई है। रायपुर संभाग से भी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है रिक्त पद की यहाँ जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा साथियों, देख सकते हैं सभी वर्गों में यहाँ रिक्त पद की जानकारी, दुर्ग में भी आप देख पा रहे होंगे, बस्तर में भी आप जानकारी देख पा रहे होंगे, ई और टी संवर्ग में पृथक पृथक जो जानकारी है वो मांगी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रयोगशाला के जो पद हैं उनकी भी जानकारी सभी संभाग से, चाहे बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग हो, सभी संभाग से मांगी गई है। शिक्षक की भी जानकारी वर्ग 2, जिसमें सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर अर्थात इन 5 संभागों में इनकी भी जो जानकारी है वो मांगी गई है। इसके अलावा आपका ग्रंथपाल शिक्षक, कृषि, तबला शिक्षक, संगीत शिक्षक की भी जो पूरी जानकारी पृथक पृथक वार मांगी गई है। साथ ही साथ व्याख्याता में भी आपके सभी विषयों के जो पद हैं उनकी जानकारी, रिक्त पदों की जो जानकारी है वो मांगी गई है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, तमाम जो सब्जेक्ट हैं ई और टी संवर्ग में अलग अलग जो जानकारी मांगी गई है। साथियों, यही जो लेटर है वायरल हो रहा है, बहुत सारे ग्रुप में भी ये वायरल हो रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सीधी भर्ती के लिए संभाग अंतर्गत, जिला अंतर्गत और यहाँ पर राज्य अंतर्गत जो सीधी भर्ती रिक्त पदों पर किया जाना है उसके लिए जानकारी मांगी गई है। तो ये किस लिए मांगी गई है, अभी ज़्यादा इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर ये वास्तव में शिक्षक भर्ती होना है उसके लिए सभी संभाग में भर्ती आए, उसके लिए अगर ये जो जानकारी है वो मांगी जा रही होगी तो सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, सकारात्मक न्यूज भी हो सकती है। इसके लिए हमें 8 मई तक का इंतजार करना होगा कि क्या चीजें निकल कर सामने आती है। साथियों, फिलहाल जो चीजें हमें पता चल रही है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी और सकारात्मक जो न्यूज है वो जान पड़ रही है। इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ भी इनसे जुड़ी हमें जानकारी प्राप्त होती है तो आप सब तक हम बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। साथियों, जो नए होंगे हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।